इस उद्देश्य से किया गया है कि जो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्डर पेंशन स्कीम के मध्य का एक कंफ्यूजन है, और उसके तहत राज्यव्यापी एक हड़ताल का आयोजन किया गया है। सहारनपुर जनपद में भी इस तरीके के ऐलान हुए हैं, उनको दूर करने के लिए, ये समस्या मिटाने के लिए किया गया है। और ये भी बताने की अपील की जा रही है कि सारे विभाग, सारे ऑफिसेस, सारे कार्यालय खुले रहेंगे, क्योंकि उसमें ओल्डर पेंशन स्कीम के जो लोग हैं वो लोग कार्यरत हैं, और कई जगहों पर जो न्यू पेंशन स्कीम में भी एम्प्लॉइज़ हैं जिनका समावेश NPS में होता है, वो लोग भी कार्य करने के लिए आएंगे। किसी भी तरीके की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करना, या जो लोग कार्य कर रहे हैं और जन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, गांव दराज दूर दराज से गांव से लोग आ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश यदि कोई करता है तो उस प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी से मेरी अपील है कि सामान्य प्रशासन चलाने में सभी लोग इसका सहयोग दें, और NPS और OPS में जो डिफरेंसेस हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, उसकी एक पैम्फलेट और IC मटेरियल भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो आपके माध्यम से सभी लोगों के पास पहुँचे और जो लोगों के मन में संशय है वो दूर। सर, कोई जिस तरह से सिंसियर मामला होता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई करें जी? अगर मामला जिस तरह से वायलेंस होता है तो उसके लिए क्या करें? वायलेंस होने की उम्मीद नहीं है। हम लोगों ने सारे संघों के साथ ही बैठक की है, सारे डिपार्टमेंट के साथ बैठक की है। यदि शांतिपूर्ण रूप से अगर कहीं कार्य हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करना, या लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के उनको रोकने का प्रयास करना, उनकी उनके कार्य को स्थगित करने का प्रयास किया जाएगा, तो उस कंडीशन में अपने उचित व्यवस्था और उचित कदम उठाए। जितने भी राज्य कर्मचारी एसोसिएशन वो सभी इसमें शामिल हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? कुछ इसमें भी कुछ विभाजन हुआ है, लेकिन वो विभाजन किस स्तर पर और क्या है उसके लिए कहने में मैं सक्षम नहीं हूँ। वो आप पीछे बोल रहे चाय पानी का